नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कुमार। आज हम बात करेंगे लोकस एप्लीकेशन में अपने मोबाइल में दूसरे का आईडी कैसे लॉगिन करें, है ना। जैसे कि अब जो मोबाइल में एप्लीकेशन में पहले से इंस्टॉल रहता है, ठीक है ना, तो उसको अनइंस्टॉल भी कर देंगे ना तो दूसरे का आईडी से हम लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो आज हम वही बात करेंगे कि बिना जो अनइंस्टॉल करने के बाद भी हम लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे लॉगिन होंगे दूसरे का आईडी से, ठीक है ना। तो मेरा जो आईडी है पहले से यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, हम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। हम लोकस एप्लीकेशन ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे ऑन होगा ना तो फिर ये डायरेक्ट पिन मांगेगा। ये देखिए, लोकस एप्लीकेशन ऑन होने के साथ डायरेक्ट मांगेगा पिन, ठीक है ना। तो ये पिन मांगेगा, हम पिन डालेंगे तब यहाँ पर हम लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये पिन मांग रहा है डायरेक्ट, क्योंकि ये आईडी और पासवर्ड मांगने का ऑप्शन नहीं आता है। इसको हम अनइंस्टॉल भी कर देंगे तो डायरेक्ट यहीं यहाँ पे ही ले आएगा, ठीक है ना। तो क्या करें, दूसरे हम अपने मोबाइल से दूसरे का आईडी कैसे हम खोल के देखेंगे, इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ये टेक्निकल चीज़ है, स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल छोटी कुछ ही देर का है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, बैक जाते हैं। बैक करके हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जो लोकस एप्लीकेशन का जो है ना ऐप्स है उस पर क्या करेंगे, कुछ देर वहाँ पर टच करके रखेंगे। जैसे हम टच करके रखेंगे ना, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, फिर जैसे को टच करके रखेंगे, ये देखिए ऐप्स इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है ना। टच करके रखने के बाद क्या आया है, ऐप्स इन्फॉर्मेशन। ऐप्स इन्फॉर्मेशन को हम क्लिक करेंगे। जैसे ऐप्स इन्फॉर्मेशन को क्लिक करेंगे तो फिर क्या आएगा ना, वो जो है सो एक सेटिंग आएगा यहाँ पर, अनइंस्टॉल और फोर्स स्टोरेज, ठीक है ना। तो हम जाना है कहाँ पर, स्टोरेज पर जाना है। किस पर जाना है, स्टोरेज पर जाएंगे। ये स्टोरेज रहा, इस स्टोरेज पर जा करके क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, सब मोबाइल का देख लेंगे जहाँ पे स्टोरेज होगा, स्टोरेज पे जाके क्लियर डेटा करना है। क्या करना है, क्लियर डेटा, क्लियर कैचेज नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, क्लियर डेटा करेंगे, इससे नहीं होगा, क्लियर डेटा करेंगे तभी होगा। तो चलिए हम क्लियर डेटा कर लेते हैं, यहाँ पर बैक जाते हैं और क्लियर डेटा करेंगे। जैसे हम क्लियर डेटा करेंगे यहाँ पर कहेगा ओके, ठीक है। सब मेमोरी क्या हो गया, ये डिलीट हो गया, जो आईडी पासवर्ड डाले हुए थे सब क्या हो गया, क्लियर हो गया है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ओके करते हैं इसको। जैसे हम ओके करेंगे ना, तो जैसे हम स्टार्टिंग का जो प्रोसेसिंग था, जो मेरा जैसे नया ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद जो प्रोसेसिंग होता है, वो प्रोसेसिंग से ये शुरू होगा। अब ये पिन नहीं मांगेगा, जैसे कि पहले हम पिन मांगा था, उसके बाद डाले तो फिर डायरेक्ट SSG पे ले गया था, वो पिन अब नहीं मांगेगा। अब मांगेगा स्टेट, कौन से स्टेट से हैं, वो बिल्कुल सब के क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है ना। अभी अनइंस्टॉल करके आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है ना कि जो आप वीडियो जो बना रहे हैं ना, अनइंस्टॉल नहीं किया क्योंकि लंबा हो जाएगा, इसीलिए ना ये शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे का प्रोसेस आप लोग खुद जानते ही होंगे। तो आज तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लोकस एप्लीकेशन से संबंधित जो भी टेक्निकल बातें हैं वो इसमें हम डालते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।